थाना लुधियाना पहुंची जहां उन्होंने हमारी रिपोर्टर शिप्रा पसरीजा से अपनी जिंदगी के कुछ लम्हों को शेयर किया। वहीं उन्होंने बिग बॉस में बिताए हुए दिनों को भी याद किया। ये आपको बता दें कि गौहर थाना लुधियाना में लग रही एक निजी एग्जीबिशन के संबंध में पहुंची हुई थी। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू द सुपर मॉडल एंड एक्ट्रेस गौहर खान। जी हाँ, आप सब उन्हीं जानते हैं, झलक दिखला जा के विनर, बिग बॉस के विनर। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं इस मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैंने झलक दिखला जा जीता नहीं था, आई वाज द सेकंड, आई वाज द रनर अप। But Big Boss, still you are winner. Yes, in my heart I was the winner because I did so much hard work for it. But I was the top two. Yes. सबसे पहले welcome to Times Punjab TV and ma'am, हम आपसे जैसे हाँ सब आपको जानते हैं and we want your intro in your words. Please introduce yourself. मैं एक जिंदा दिल लड़की हूँ, खुश रहने की एक ही ना ही आदत है बल्कि कोशिश भी रहती है मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुश रहने से ही आप ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं ऐसी ही सिंपल नॉर्मल लड़की हूँ एंड काम करना अच्छा लगता है और मेहनत करना अच्छा लगता है। मतलब ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन यू गेव। एंड मैम, विच इज़ योर बर्थ प्लेस? पूना, नो सॉरी, बॉम्बे। आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज। बॉम्बे में मेरी पैदाइश हुई थी और लेकिन मैं ग्रो अप, मतलब मेरी परवरिश पूना की है। जी तो मैम, मॉडलिंग लाइन में आपने कैसे एंटर किया? मॉडलिंग लाइन एक्चुअली मैं बचपन से ही चाइल्ड मॉडलिंग करती थी पूना में। फिर उसके बाद मैंने मिस इंडिया किया 2002 में, जहाँ पर मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी थी। और उसके बाद बॉम्बे में बस काम करते रही और वहाँ से मॉडलिंग शुरू हो गई, क्योंकि जो कोरियोग्राफर्स थे उन्होंने मुझे मिस इंडिया में ही नोटिस कर लिया था। तो मॉडलिंग में आना आसान था मेरे लिए, लेकिन एक्टिंग और जो मेरा पैशन था डांस और उस सब चीज़ों में आना एक थोड़ा सा स्ट्रगल था, क्योंकि आसान नहीं था फ्रॉम मॉडलिंग टू दिस। बट यस, वैसे ही शुरुआत हुई थी। हाउ मच योर फैमिली वाज सपोर्टिव टू यू एट दैट टाइम? माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव हर चीज़ में, भले ही अच्छा किया या बुरा किया। बुरे में डांट ज़रूर पड़ी, अच्छाई में हमेशा सपोर्ट और सराहना किया गया, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ा। मैम, आप बिग बॉस के विनर रह चुके हैं और बहुत ही अप्रिसिएशन मिली थी आपको उस टाइम पे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको ड्यूरिंग दैट टाइम? वो एक बहुत ही चैलेंजिंग आपके लिए रोल रहा होगा उस टाइम। एक्चुअली आज तक जो भी कुछ मुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो इसीलिए था क्योंकि मैंने बिग बॉस उस सीज़न में जाने का एक डिसीजन लिया था। थैंकफुली वो लक कहें या अल्लाह की तरफ से एक गाइडेंस कहें कि सीज़न 7 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीज़न था, बहुत ही अच्छी कास्ट थी उसमें। तो मुझे गर्व है कि एक अच्छे सीज़न की विनर मैं रही, क्योंकि हाँ बिग बॉस करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो एक जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट था वो आई थिंक सीज़न 7 में बहुत ही बढ़िया था। सो आई फील वेरी प्राउड कि एक अच्छे क्राउड में मुझे जीत हासिल हुई। बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, अभी तक मिल रहा है एंड बहुत ही आज जो भी है वो उस प्यार का ही नतीजा है। वी ऑल नो दैट बिग बॉस ना कभी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहता ही है, तो आपके टाइम का कभी ऐसा आपको कुछ टाइम फेस, मतलब आपको फेस करना पड़ा हो, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हो कभी उस टाइम? अंदर रह के तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज का पता ही नहीं चलता है, अंदर रह के तो आप बाहर आके आपने फेस किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो था एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। माई एक्सपीरियंस इज ऑल, आई ऑलवेज सेड दैट बिग बॉस हैज बीन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तो मैम, आपने इतनी सुपरहिट मूवीज भी दी हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को, तो विच वॉज योर फर्स्ट मूवी? Rocket Singh was my first movie as an actor. Veer Kapoor. Yeah, it was the first movie as an actor with Yash Raj Banner. And uske baad kaafi picturein ki hain, Game, Ishq Zade, Fever, Begum Jaan, Badrinath Ki Dulhaniya. During your first movie, how much at that time you were nervous? I wasn't nervous actually, kyunki I just wanted to show that I can act and thankfully mujhe ek bahut hi acha role mila to prove that yes I am a good actor, thanks to Shimita Minji and Jaydeep Sahani ji who believed that I could be their Koina and Rocket Singh, and uske baad I got a certain credibility as an actor. To uske baad jitne bhi directors ke sath maine kaam kiya hai wo kafi namcheen directors rahe hain jo apne actors mein kafi belief rakhte hain, so I've been very lucky and very fortunate that I have worked with really ग्रेट डायरेक्टर्स। मैम, पंजाबी मूवी भी आपने की थी मिस्टर जैसी गिल के साथ, तो पंजाबी लैंग्वेज को ग्रैप करने में कितना टाइम लगा आपको? एक्चुअली मैंने पंजाबी फिल्म के दौरान ही सीख ली थी, अभी भी बोलती हूँ। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस चली गई है मेरी पंजाबी के ऊपर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पंजाबी में बात करना। मूवी का कोई डायलॉग अभी हो जाए ऑनलाइन सेट, अगर आपको कुछ याद हो, कोई मेमरी?
पंजाबी में? डायलॉग तो कोई सॉन्ग ही सुना दीजिए चलिए फिर। हाँ गाना भी आता है मुझे, लेकिन आई एम गुड विद डायलॉग्स बट आई कांट रिमेम्बर इट राइट नाउ। मिस योर विश, कुछ भी चलेगा डायलॉग। मैं पंजाबी गल कर सकती हूँ डायलॉग्स। हाँ मैं पंजाबी गल तो इट्स एनफ फॉर आवर व्यूअर्स कि आपने पंजाबी में एक लाइन सुनाई। नहीं मैं पूरी तरह पंजाबी गल कर सकती हूँ। हाँ नॉट एज फ्लुएंट एज एवरीबडी एल्स, लेकिन इफ यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद मी आई कैन हैव अ फुल कॉन्वर्जेशन। लुधियाना फर्स्ट टाइम आए? नहीं सेकंड टाइम आए। सेकंड टाइम कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिवाज इंडिया फैशन कार्निवल जो एक एग्जीबिशन हो रहा है कल परसों होटल पार्क प्लाजा में, उसके साथ मैं अपने ब्रांड के लिए आई हूँ गॉर्जियस जो एक ऑनलाइन ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड है। मूवीज इस वक्त मैंने बेगम जान के बाद कोई साइन नहीं की है। वेब कॉन्टेंट काफ़ी आ रहा है मेरा, दो बड़े सीरीज आ रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एक ऑलरेडी रिलीज हो चुका है रॉस नाउ पे, इट्स कॉल्ड साइड हीरो, आई एम वेटिंग फॉर द अदर टू टू कम आउट। डेफिनेटली अब आप लुधियाना आया तो यहाँ के लुधियानवी से पंजाबी से आप एक क्या कोई स्पेशल मैसेज अपनी तरफ से उन्हें देना चाहेंगे? मेरे वालों पंजाबी में मेरे वालों गौहर खान वालों सारिया नु बहुत बहुत प्यार ते सत श्री अकाल। That's so sweet of you. Thank you so much, ma'am. अपना precious time हमें देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ सुपर मॉडल एंड एक्ट्रेस गौहर खान, जिन्होंने हमसे शेयर किए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स, और उन्होंने शेयर किया अपनी कुछ जर्नी के बारे में भी जो वो अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में, मॉडलिंग लाइन उनकी जो मूवीज लाइन कैसे रही। होपफुली आप सबने भी बहुत इंजॉय किया होगा और हमें भी बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।